आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वितीय दिन कार्यकारिणी को आज संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहा पूर्व प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार विरोध में विरोधी अपप्रचार कड़ा जवाब रखी बीजेपी। अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण सांबादिक सम्मेलन कर विरोधी समस्त अभियोग गोटी गोटी कर रखिंट जवाब। अर्थमंत्री कहते विभिन्न प्रसंगे विरोधी अभियोग मिथ्या प्रमाणित तो हो पेगासस राफेल ईडी सेंट्रल विस्टा संरक्षण एवं विमुद्रीकरण प्रसंगे विरोधी प्रधानमंत्री विरोध में भित्तिहीन अभियोग आनी जहार उत्तर मिल सारी। गतकाली कार्यकारिणी प्रथम दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री करते शानदार रोड शो हजार हजार जनता रास्तार उभय पार्श्वे जमा होते प्रधानमंत्री को देखा मोदी मोदी नारे कंपिता दिल्लीर राजमार्ग। सेपटे कार्यकारिणी में विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे प्रस्ताव पारित तो होड़ा चलित वर्ष होगा न राज्यर विधानसभा निर्वाचन आसंता वर्ष होगा साधारण निर्वाचन नहीं कार्यकारिणी में प्रस्तुत तो होई रणनीति जो राज्य में बीजेपी क्षमत नहीं सेठे जोरदार लड़े पर प्रस्तुत तो होई रोडमैप। बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन नौ मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीशन मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीशन जो हुआ उससे ऑपोजिशन का कंप्लीट ये नेगेटिव कैंपेन को बार बार कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट के द्वारा उनको नकारते आए। ऑपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन के ऊपर टीका टिप्पणी कोर्ट के द्वारा होते आए क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया एक्सपोज कर दिया। वो नाइन मुद्दे में सिर्फ आपको कोट कर रही हूँ जहां नेगेटिव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बे बुनियाद आरोप लगाकर चला उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल एनफोर्समेंट डायरेक्टरी तीसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना इन सब के ये तीसरी। फोर्थ सेंट्रल विस्टा के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस वो पांचवी और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया उनके बाद साफ सुथरा हुआ। ये बात अच्छा विस्तार से प्रधानमंत्री जी का नियत साफ है और उनके वर्चस्व ऐसे हैं नॉन करप्ट लीडरशिप देश के हित में काम करने वाले लीडरशिप इसका एक बार अच्छा जिक्र हुआ। नौ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे लोकसभा में 100 बूथ देना था विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए
72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने की का फैसला हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। आगे उन्होंने बताया कि आज भारत का कंक्रीट अचीवमेंट्स क्या है। इंडिया हैज बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सरपासिंग इवन इंग्लैंड। भारत मोबाइल प्रोडक्शन की दुनिया में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है।